नहीं मानते हैं। एके मिश्रा जी, का भाजपा ले एके मिश्रा जी, भाजपा क्या कुछ गलतियां हैं इतिहास में कांग्रेस की जो आज कांग्रेस को परेशान करने का काम कर रही हैं सर? नहीं देखिए, मैं क्यों बोलूंगा, अगर मैं बोलूंगा गलतियां हैं, बहुत सारे डिबेट में बताते रहते हैं इम्प्रूव कैसे करें, तो ये लोग हमको कांग्रेस विरोधी अपना दुश्मन मान लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, गलतियां इतिहास में होती हैं, कांग्रेस ने कई बार करेक्ट भी किया है और कांग्रेस की वापसी भी हुई है। लेकिन जब अपनी गलतियों को आप अपनी उपलब्धियां समझने लगे और उसी के लिए जी जान लगाने लगे तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? अगर कांग्रेस या विपक्षी दलों की परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है तो उसके पीछे कारण ये है कि जो भ्रम है, जो गलतियां हैं, ये उसको अपनी उपलब्धि बना के प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसी चीजों को ये पकड़ते हैं और अपनी उपलब्धि दिखाते हैं जो कि भारतीय जनता बिल्कुल पसंद ही नहीं करती है। अब अगर मैं ये बोलूं, राम सेतु, आपने क्यों ये सिद्ध करने की कोशिश की कि राम सेतु राम से जुड़ा हुआ नहीं है, ये गलती थी, लेकिन आज भी ये इसको अपनी उपलब्धि बना के दिखाते हैं। ऐसे पचासों में उदाहरण दूंगा, पॉइंट केवल एक ही है, अपनी गलतियों को अपनी उपलब्धि जब तक आप बताते रहेंगे आप नेपथ्य में रहेंगे, आप कभी सत्ता में नहीं आएंगे। यही एक सुधार कर लीजिए, बाकी चीजें सही है। एके मिश्रा जी, सच्चाई क्या है? राजनीतिक विश्लेषज्ञ आप हैं इस वक्त, ये बीजेपी कह रही है कि अगर केंद्र में हमारी सरकार है, हम केरल का सच दिखाना चाहते हैं लोगों को कि भैया केरल के अंदर क्या हो रहा है, केरल के अंदर कांग्रेस की सरकार ने क्या कुछ करने का काम कर दिया। नहीं देखिए, नहीं, बीजेपी नहीं दिखाना चाहती है कि केरल में क्या है, फिल्म बनाना, बीजेपी कोई फिल्म प्रोडक्शन हाउस नहीं है, तो ये बोलना कि बीजेपी ने फिल्म बनाया, बीजेपी दिखाना चाह रही है, वो गलत चीज है। बीजेपी वालों को भी मेरे ख्याल से कोई नहीं बोला और ये बोलना भी नहीं चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये बात है फिल्म मेकिंग की, फिल्म मेकिंग के लिए डायरेक्टर वगैरह की टोटल टीम अलग होती है और एक सबसे बड़ा सेंसर बोर्ड हमारे यहाँ है जो भारत की सभ्यता और संस्कृति को समझता है और छान के, यानी क्लिप्स को कट करके जो चीज समाज के लिए खतरनाक है वो चीज वो जाने नहीं देता है। इस फिल्म में भी कई क्लिप्स को उन्होंने कट किया। फिल्म सही है या गलत है, कांग्रेस बीजेपी जिसको ज्यादा वो है जाके वहां रिसर्च करे। फिल्म हमेशा फिक्टिशियस होती है, इसका डिक्लेरेशन रहता है कि किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति के साथ कोरिलेशन महज एक संजोग होगा। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज, जॉर्ज सोरस ये पाकिस्तान में जा करके नहीं, फिल्म के जरिए फायदा पा लेने की कोशिश कर रहा है सर, मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं सुनिए, नहीं देखिए, होता ये है कि कोई भी फिल्म आए या कोई भी घटना हो तो उसका इम्पैक्ट 360 डिग्री पड़ता है, कई लोगों की पर्सनालिटी पे पड़ता है, मनोभाव पे पड़ता है, राजनीति पे भी पड़ता है। अगर एक फिल्म से राजनीति करने वाले या कोई पार्टी इतनी डर गई है तो मेरे ख्याल से अगर फिल्म का इतना बड़ा इम्पैक्ट गेम चेंजिंग रहता तो महेश भट्ट शायद आज देश के निर्विरोध प्रधानमंत्री रहे होते, सारे हीरो हीरोइन संसद सदस्य रहे होते। तो राजनीति की बात राजनीति से करिए, फिल्म वगैरह से अगर आप समझते हैं कि आपका वजूद खतरे में है तो आप राजनीति छोड़ दीजिए। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज, जो अभी कांग्रेस केरल के नेता शशि थरूर की एंट्री हुई है, देखिए कट्टर मौलाना से शशि थरूर कम नहीं है, उसके पीछे कारण है, मौलाना लोगों की खूबी होती है, 1 करोड़ से कम का इनाम नहीं देते हैं, उसका गला काट के लाओ 1 करोड़ रुपए, फलाना ये करके लाओ 1 करोड़ रुपए, जवान काट के लाओ 1 करोड़ रुपए, तो ये भी कट्टर मौलाना वाला काम कर रहे हैं शशि थरूर। अरे फिल्म में क्या सही है क्या गलत है वो जनता को देखने के लिए बनी है, ना कि राजनीतिक पार्टियों और नेताओं को देखने के लिए बनी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जनता की नजर से देखिए और जनता के ऊपर ही छोड़ दीजिए कि जनता उस पे क्या परसेप्शन बनाती है, क्या डिसीजन लेती है, उससे आपका क्या मतलब है। मैं कोई फिल्म देख करके अगर अमिताभ बच्चन की तरह हेयर स्टाइल रखूं, कपड़े पहनूं, कुछ करूं तो वो जनता का मतलब लाइकिंग और डिसलाइकिंग है। मैं कोई गाना गाऊं, मैं किसी तरीके का नृत्य करूं, प्रभाव अगर फिल्म का पड़े तो वो पब्लिक की। ठीक है, स्वामीनाथ जी इतनी कट्टरता क्यों है? वो कह रहे हैं कि वैसी कट्टरता आप लोग कर रहे हैं, कभी कभार मौलाना कट्टरता कर देते हैं, वो कट्टर मौलाना जो कि किसी भी धर्म को नहीं मानते और धर्म के नाम पर भावनाओं को आहत करते हैं। जो आदमी 1 करोड़ का इनाम रखे, वो कट्टर कर्नाटका में जो सबसे बेहतर काम करेगा विधायक 1 करोड़ का इनाम करके आओ तो हम इतना जीत गए, साधु संत बन के गेरुआ वस्त्र में पहने रहते हैं, वो भी बोलते हैं ऐसा,
ये इस बात को कहें आप सर उससे जोड़ रहे हैं माननीय मिश्रा जी, आपके बात को मैं, आप बड़े हैं और विश्लेषण कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप शायद भूल गए कि एक यानी जिस तरह से गेरुआ धारण करके भी कई बाबा ऐसे बोलते हैं कि उसका सर कलम करके ले आओ, इतना कर्म देंगे, इतना लाख देंगे, आप शायद भूल गए हैं। और दूसरी बात की हमारे कितने लोगों ने जबान काटी, नहीं स्वामीनाथ जी आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी किसी धर्म गुरु ने किसी का गला काट दिया, ये बताइए। नहीं स्वामीनाथ जी वो एग्जांपल देने की कोशिश कर रहे थे, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई धर्म गुरु किसी का गला काट देता है क्या? उन्होंने 1 करोड़ के इनाम पर कहा कि कई लोगों ने 1 करोड़ का इनाम रखा, ले जाओ उसकी जीभ काट के ले आओ। चलिए ठीक है, अब मैं एक सवाल पूछता हूँ ठीक है। एके मिश्रा जी का अपना विचार था, एके मिश्रा जी ने कह दिया, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। एक मिनट सर, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर शशि थरूर को दिक्कत भी थी तो शशि थरूर कोर्ट क्यों नहीं जाते? सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया कि इसने, एक मिनट सुन तो लीजिए आप सर, सुन लीजिए ना, शशि थरूर कोर्ट जाते, लेकिन शशि थरूर कोर्ट क्यों नहीं गए वो भी मैं आपको बता देता हूं। शशि थरूर कोर्ट इसलिए नहीं गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई को ही ये कह दिया कि भैया ये फिल्म देख ताक के बनाई गई है, सेंसर बोर्ड की तरफ से इसे देखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ भी नहीं करेगा। अब आपको तो था ही कि एक मंच पर आइए, ऐलान कर दीजिए कि अगर इसमें कुछ भी गलत सबूत मिलते तो 1 करोड़ हम दे देंगे, यानी आपको बताना है कि कर्नाटक का मुसलमान कांग्रेस को वोट दे दे, यही कर रहे हैं ना आप? देखिए हर्ष जी, आप जिस तरह से बोल रहे हैं मैं बता रहा हूं कि जैसे हमारे तपोस जी बताए, बीजेपी के प्रवक्ता हॉल जी, कि ये हम लोग को पता चला, इनको हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं तो फिल्म के द्वारा पता चला कि आपका एनआईए बैठा हुआ है, आपका जांच एजेंसी, आप केंद्र में बैठे हो। सर आप बात कर रहे हैं, मैंने उससे गुरेजी नहीं किया, शशि थरूर को क्या जरूरत पड़ गई 1 करोड़ का ऐलान करने की? शशि थरूर की तो सरकार आपकी थी, ये उस समय की घटना है जब सरकार आपकी रहा करती। बीच में बोलोगे तो हम जवाब देंगे, मिश्रा जी आपका भी, तपोस जी आपका जवाब देंगे, ठीक है आपका समय हो गया, तपोस जी कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसका जवाब दीजिए। हम तो तैयार है जवाब लेने के लिए, वोट तो देने दो यार, उधर से मिश्रा जी बोल रहे हैं, उधर से आप बोल रहे हो, क्या बैठाते हो जब बातें नहीं सुनते आप? सर बैठना ना बैठना वो आपकी मर्जी है, लेकिन सवाल पूछा जाएगा। मैंने ये पूछा शशि थरूर को क्या जरूरत थी 1 करोड़ का ऐलान करने की, शशि थरूर बताना चाहते हैं कि मैं कोर्ट नहीं जा रहा हूँ। उत्तर भी सुनो, हाँ तो बताइए ना, उत्तर तो बता रहे, उत्तर आप बता नहीं रहे, गोल मोल घुमा रहे। प्रधानमंत्री पर डॉक्यूमेंट्री लेके आया बीबीसी, क्यों रोक लगा गया, छापा मारा गया? दिक्कत तो यही है, दिक्कत यही है कि आपको द पेरल स्टोरी से दिक्कत है, मुसलमानों ठेकेदार मत बनिए, पहले आप रहनुमा मत बनिए, आप सुन लीजिए पहले। जैसे आपको दिखाया गया द कश्मीर फाइल दिखाया गया, उस समय 98 में बीपी सिंह का सरकार था, भाजपा उसको समर्थन दी थी, पूरा बात सुनिए ना। आज कर्नाटक का चुनाव है, बॉर्डर पर केरला है, बार बार चुनाव के समय आप लोग के पास कोई चुनाव के समय आप लोग क्यों जिक्र कर रहे हैं? आप लोग क्यों दिक्कत कर चुनाव के क्यों 1 करोड़ का ऐलान करा शशि थरूर ने? मुझे ये नहीं समझ में आया कि 1 करोड़ का ऐलान क्यों शशि थरूर ने सोनिया गांधी के कहने पर किया था? गलत दिखाओगे क्यों नहीं रखेंगे, गलत चीज समाज सोनिया गांधी के कहने पर किया है क्या? गलत काम करोगे आप उसको, आपको सरकार, और आप गलत बोलोगे तो हम टोकेंगे सर डिबेट में, आप गलत बोलोगे तो हम टोकेंगे। कश्मीर फाइल को इसी तरह प्रचार बड़े बड़े पैनल लगा के भाजपा द्वारा कराया गया, कश्मीरी पंडित पलायन किस समय हुए? 98 में हुए थे जब सरकार वर्तमान में आई है। कश्मीरी पंडित का जिक्र करने से पहले केरल का जिक्र करिए। अब राहुल गांधी सांसद नहीं है, लेकिन राहुल गांधी वही के सांसद थे। एके मिश्रा जी आप कुछ कह रहे थे सर, फिर मैं सवाल लूं। एके मिश्रा जी देखिए, हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, वो डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं, बीबीसी देखिए डॉक्यूमेंट्री और फिल्म में बड़ा डिफरेंस होता है। डॉक्यूमेंट्री बीबीसी बनाए, न्यूज चैनल बनाए, या नेट नेशनल जियोग्राफिक बनाए, या डिस्कवरी बनाए, वो फैक्ट बेस्ड होता है, वो सत्य पे होता है। बीबीसी को जो बैन करने का रीजन था, छापा पड़ा था, वो फाइनेंशियल्स के लिए पड़ा था,
बीबीसी से जब पूछा गया कि जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसका बेस क्या है, फैक्ट क्या है, आधार क्या है, वो प्रूफ दे ही नहीं पाए। ना तो बीबीसी ने ये डिक्लेयर किया था कि ये फिक्सीशियस है, कुछ लोगों से मैच करना या कोई भी पार्ट मैच करना महज संजोग होगा। तो डॉक्यूमेंट्री और फिल्म में डिफरेंस समझिए, जो टेक्निकल फिल्म सेंसर बोर्ड के थ्रू जाती है, डॉक्यूमेंट्री किसी सेंसर बोर्ड के थ्रू नहीं जाती है। बीबीसी को अगर हिम्मत है तो वो अपनी डॉक्यूमेंट्री को सेंसर बोर्ड के थ्रू पहले ले जाके जांच कराए फिर दिखाए, है हिम्मत आप गलत बोलने क्या कहा स्वामीनाथ जी? एसपी जी सुरक्षा गार्ड में घूम रही है, मिश्रा जी सुरक्षा गार्ड में नहीं है, विश्लेषण दीजिए।